वेल well, रिजवान की थोड़ी बात हो जाए रिजवान hmm. की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें रिजवान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चार नंबर पे खेलना चाहते हैं खुश नहीं है कि वो पांच नंबर पे खेल रहे हैं लेकिन वो तैयार है कि आ, हमारे कैप्टन जहां बोलेंगे हम अपनी टीम के लिए खेलेंगे सो so, <laughs> आप क्या मतलब वो खुश नहीं है फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कर दी क्या पर्पस था उनके ये बात कहने एक कौन सा आखिर कहना क्या चाहते यस कहना क्या चाहते हो भाई रिजवान को मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कोई शिकवा भी नहीं है, हाँ। शिकायत भी नहीं है मैं चाहता भी ये नहीं हूँ तो आप, या कप्तान आप तो आपको ये बात मीडिया में आके करनी क्यों है यस yes, आपने ना सारे मीडिया में सारे आपने तो मौका दे दिया ना बात करने का फिर आप कहते हैं मीडिया जो है नेगेटिविटी जो है वो आपके प्लेयर्स खुद इस तरीके से जो है वो बोल रहे हैं कि जनाब मुझे मैं नंबर पांच पे खेलना नहीं चाहता मेरी ख्वाहिश है कि नंबर चार पे खेलूं लेकिन जो कप्तान कोच कहेंगे वो करूंगा आपको ये बात करनी क्यों है या तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि नहीं भाई मैं नंबर पांच पे नहीं खेलना चाहता मैं नंबर चार पे खेलना चाहता हूँ और या तो ये बात करें अगर आपको मालूम है कि कोच और कप्तान की प्लान में आप नंबर चार पर नहीं हैं तो आप खामोश रहें क्यों आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे जो है वो एक एक नई नई कंट्रोवर्सी शुरू हो, एक बात बात सामना करे तो तो आप चूंकि उन्होंने उन्होंने जिक्र कर ही लिया है जर्नलिस्ट तो क्या कहेंगे कि उनकी बात सही है, नंबर जहा पे आप आप रिजवान को कैसे देख रहे हैं और नंबर चार पे आप देखते जावेद मियादाद खेलते थे दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी जो है वो इस वनडे में नंबर फोर पोजीशन बहुत बड़े खिलाड़ी को काबिल तमाद खिलाड़ी को मिलती है ये इस टाइप की जो थे वो खेलते थे तो हमारे पास नंबर चार पे आपने पहले शान मसूद को किया फिर अब्दुल्ला शफीक को किया और रिजवान आपका फॉर्म के अंदर है रिजवान को अगर आप नंबर चार पे देना चाहते हैं तो अब अब मसला यह कि अगर अब नंबर चार पे रिजवान को देंगे अब इस बात के बाद तो फिर कल को दूसरा और खिलाड़ी भी अपनी डिमांड को लेकर खड़ा होगा yes. फिर वहां टीम मैनेजमेंट क्या करेगी mm. आज तो चले रिजवान ने बात कही और कल को रिजवान को नंबर चार पोजीशन पे दे भी देते हैं yes. और वो वहां भी परफॉर्म करते उसने तो नंबर पे भी, भी किया है तो रिजवान को तो ये सुनना चाहिए कि उसको खेल रहे हैं इफ्तार की तरह उसको आठवें नंबर पर थोड़ी भेज रहे हैं कल को इफ्तार ने भी अगर इसकी शिकायत कर दी ठीक है मैं ख्वाहिश है कि मैं मजा साइम मयूब कल को या मोहम्मद हारिस कहे मैं तो मेरी ख्वाहिश मैं तो हूं तो ओपनर सारी डोमेस्टिक मैंने ओपनिंग के लिए मैं ओपनिंग खेलना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि बाबर और रिजवान टी ट्वेंटी में खेलते तो मैं आप फिर क्या करेंगे हर दफा ये एक नई कंट्रोवर्सी बनती रहेगी तो मेरे ख्याल से अब रिजवान ने खुद अपने लिए एक ऐसा पोजिशन पर लेके आगे खड़े कर दिए कि कोच और मैनेजर और कप्तान जो है वो अगर अब उसको उसको लेके आते हैं तो फिर बहुत सी बातें उठेंगी फिर बहुत सी खिलाड़ियों की बातें भी सामने आएंगी